दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi के Mi A3 के बारे में और ये फ़ोन जो होगा वो काफ़ी कमाल का होने वाला है और जो भी कमियां आपको Redmi Note 7 Pro में दिखाई दी थी उन सारी कमियों को दूर इस फ़ोन में कर दिया गया है और ये फ़ोन जो है काफ़ी बढ़िया लगेगा क्योंकि भाई जो भी कमियां थी जैसे अगर फ्रंट कैमरा की बात करें अगर Redmi Note 7 Pro में एवरेज था तो यहाँ पर काफ़ी कमाल का कैमरा देखने को मिलेगा और इसके अलावा और भी जो भी थी जैड्स वगैरह जो दिखाई देते थे Redmi Note 7 Pro में तो वो नहीं दिखाई देगा। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है तो फिर ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में और लिक्स क्या बताते हैं, कैसा होगा ये फ़ोन, क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मैं हूं कामाख्या आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आनंद टॉकिंग। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो Mi A3 में आपको देखने को मिलेगा Redmi Note 7 Pro की तरह बैक साइड में ग्लास बैक और ये काफ़ी शानदार होगा, ग्रेडियंट फिनिश के साथ में होगा और देखने में काफ़ी प्रीमियम लगेगा और यहाँ पर भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 6.3 इंच का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सुपर एमोलेड और दोस्तों यहाँ पर एक डॉट नॉच देखेगा जैसा कि आपको Redmi Note 7 Pro में दिखाई दिया था, छोटा सा नॉच होगा और बेजल लेस डिज़ाइन होगा यानी बहुत ही कम बेजल आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही शानदार ये यहाँ पर स्क्रीन होने वाला है। और दोस्तों अगर स्क्रीन की बात करें तो ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं फ्रंट की तो यहाँ पर भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो जैसा मनु कुमार जैन ने ट्वीट करके बताया कि यहाँ 700 सीरीज का एक नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो जो नया प्रोसेसर है 700 सीरीज का स्नैपड्रैगन का हुआ है 730 और ये प्रोसेसर काफ़ी कमाल का है, काफ़ी दमदार प्रोसेसर है, 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये प्रोसेसर है और यहाँ पर जो GPU का इस्तेमाल किया गया है वो भी काफ़ी कमाल का है, स्नैपड्रैगन 675 या फिर 710 से ज़्यादा बढ़िया GPU इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है 618 यानी एडिनो का 618 GPU यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये जो प्रोसेसर है वो है बेस्ट क्रायो 470 पे। जी हाँ दोस्तों क्रायो 460 स्नैपड्रैगन के 675 में देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा अपग्रेडेड यहाँ पर क्रायो 470 देखने को मिलेगा। ये प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल होगा, किसी भी तरीके की गेम खेलें या फिर कोई भी मल्टीटास्किंग करें, किसी भी तरीके के वर्क करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये काफ़ी बढ़िया और काफ़ी लेटेस्ट और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है जो कि बैटरी एफिशिएंट भी होने वाला है। वहीं दोस्तों अब हम बात करते हैं कैमरा की तो यहाँ पर आपको बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा जहाँ आपको दिया जाएगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और उसका अपर्चर होगा 1.7 और ये वही सेंसर होगा जो Redmi Note 7 Pro में यूज किया गया है सोनी का IMX586 लेकिन यहाँ पर जो अपर्चर होगा वो और कम होगा। तो यहाँ पर जो फोटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की होने वाली है और जो दूसरा सेंसर होगा 13 मेगापिक्सल का ये वाइड एंगल सेंसर होगा, वाइड एंगल कैमरा होगा जिसका कि आजकल ट्रेंड है जिसमें कि आप बड़े ग्रुप की फ़ोटो निकाल पाएंगे शॉर्ट डिस्टेंस से। वहीं जो थर्ड लेंस होगा, तीसरा जो कैमरा होगा वो 8 मेगापिक्सल का होगा और ये टेलीफोटो कैमरा होगा। दोस्तों यहाँ पर कैमरा काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि जो Mi A सीरीज के फ़ोन है वो कैमरा सेंट्रिक होते हैं और कैमरा इसका काफ़ी शानदार होता है। इससे पहले भी जो Mi A1 था या फिर A2 उसके कैमरा काफ़ी कमाल के थे। वहीं दोस्तों अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा जैसा कि Redmi Note 7 Pro में 13 मेगापिक्सल का कैमरा था और वहाँ पर कैमरा थोड़ा एवरेज था तो यहाँ वो शिकायत नहीं मिलेगी, यहाँ काफ़ी कमाल का आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा फ्रंट साइड में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें बैटरी की तो यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी दिखाई देगी और साथ ही साथ USB टाइप सी पोर्ट और क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट देखने को मिलेगा और हो सकता है यहाँ पर इस बार आउट ऑफ द बॉक्स आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेंसर्स की तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर जैसा मैंने बताया ऑन स्क्रीन होगा, उसके अलावा फेस रिकॉग्निशन और जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है वो सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर इंटरफेस की तो ये फ़ोन आएगा एंड्रॉयड 9.0 पाई के साथ में और यहाँ पर दिखाई देगा स्टॉक एंड्रॉयड जैसा कि ए सीरीज का फ़ोन एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के साथ में आता है तो ये भी फ़ोन एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के साथ में आएगा और स्टॉक एंड्रॉयड यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर कोई भी एड्स नहीं दिखाई देंगे, कोई ब्लॉटवेयर नहीं दिखाई देगा तो ये फ़ोन जो है काफ़ी बढ़िया होगा। अगर आप सिंपल यूज़र इंटरफेस पसंद करते हैं, स्टॉक एंड्रॉयड पसंद करते हैं तो ये फ़ोन आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है या फिर MIUI का यूज़र इंटरफेस आपको पसंद आता है।
अब दोस्तों बात करते हैं सिम स्लॉट और मेमोरी स्लॉट की, तो इस बार हो सकता है कि यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिले, क्योंकि एमआई ए टू काफ़ी बढ़िया फ़ोन था लेकिन वहाँ पर मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से वो फ़ोन काफ़ी पॉपुलर नहीं हो सका। अच्छा फ़ोन होने के बावजूद भी उतनी पॉपुलरिटी गेन नहीं कर सका, तो ये गलती इस बार नहीं करेगा Xiaomi और यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल सकता है, जिसमें कि आप मेमोरी को एनहांस भी कर पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो यहाँ पर फ़ोन जो है आपका 17,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो सकता है, जो होगा प्राइस 4GB 64GB वाले वेरियंट का। जी हाँ, ये तीन वेरियंट में देखने को मिलेगा, 4GB 64GB 6GB 64GB और 6GB 128GB के साथ में आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इस फ़ोन का प्राइस कितना होना चाहिए और किस प्राइस के साथ आप इस फ़ोन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल आनंद टॉकिंग को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।